है गुरु जी। हेलो संगीत, मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विनीत आद्या है और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ था थ्रू माय फादर डॉक्टर चंद्र मोहन आद्या। माय फादर कनेक्टेड विद गुरुजी, आई वुड से ही वाज सिलेक्टेड एंड दैट्स हाउ ही कनेक्टेड इन जलंधर इन 80s। एंड आई थिंक द कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन से पहले से ही शायद उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। सो टॉकिंग अबाउट माय फादर, इन मिड 80s ही हैड गॉन टू द साउथ पोल अंटार्कटिका, एंड वंस यू गो देयर इन द समर यू आर देयर अप अंटिल फॉर 14 मंथ्स अंटिल द शिप कम्स बैक अगेन बिकॉज इट इज लॉक्ड, शिप्स कांट डॉक एनीमोर। So my father being a doctor, he was selected to go to give medical cover to the team and conduct some specific experiments that would probably apply to Siachen. In Antarctica, since all of them were either scientists or doctors or engineers, so my father took the role of all the religious ceremonies. So he would do all the Hindu ceremonies, all Muslim ceremonies, all Sikh ceremonies for the team that was there. And I think that even then, Guruji had probably blessed him. That's how he could carry out for the group. But moving forward, when he was posted back to Jalandhar, Guruji and my dad connected to Guruji. My own story is, one day I came from my school, I was in middle school, and I come home and I saw, in army homes you generally have a drawing room where everybody sits formally, sofa pe, and there's some sort of a thing, but nobody was sitting on a sofa, they were all sitting on a carpet, rug as you would call it now. I was a little confused, kya ho raha hai? Anyway, मैं अंदर आया तो गुरुजी वहाँ बैठे थे, तो मैंने अपना गुरुजी के पास मेरे को बुलाया, मैं माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि ये गुरुजी हैं, तो मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखा और जहाँ तक मुझे याद है पहली बार उन्होंने कहा, स्कूल में लिमका पीती सी, तो मैं घबरा गया। मैं घर से 50 पैसे लेके गया था, कहीं मुझे मिल गए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब इसके स्कूल की कैंटीन में लिमका पिए हैं तो मुझे लगा कि यही सारी, दिस इज़ द रियल थिंग, अब शायद शिकायत हो गई है, तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया। गुरुजी के पास बैठा, ऑब्वियसली वेरी मस्मराइजिंग, उस समय भी मुझे ऐसा लगा कि दिस समथिंग इज डिफरेंट हियर। द अदर थिंग आई रिमेंबर इज गुरुजी ने कहा कि अमेरिका जाएगा और आविष्कार करेगा, तो यू नो मैं स्कूल का बच्चा था, मिडिल स्कूल, अपना आर्मी बैकग्राउंड में कभी सोचा भी नहीं था कि कहीं दूसरे देश में जाएंगे या कुछ ऐसा, नथिंग लाइक दैट, बट आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि ये क्या बोला है गुरुजी ने। तो दैट, और उन्होंने ब्लेस किया। गुरुजी की ब्लेसिंग का फायदा ये हुआ कि बिकॉज आई स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम, ऑल द वरीज सॉर्ट ऑफ वेंट अवे। आई वॉज गोइंग फ्रॉम जलंधर टू पूना, और पूना में आई हैड टू गो and get my admissions done in a school there. तो उस school में जो पहले से जो message आया कि they will take all their students first in science, क्योंकि उस समय science लेने के लिए you know there are not too many people who would do anything else but science. तो उनका जब last candidate को science seat मिल जाएगी, उसके बाद ही they'll start considering people from outside. So what I was told was that you will probably have to get into some other subjects because aisa rule hai.
तो तब मैं दिल्ली में था. आई मीन वी वर गोइंग फ्रॉम जलंधर टू पूना, बट फ्लाइट वॉज फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली. तो ये मुझे पता चला. बट अब मैंने सोचा गुरुजी ने तो बोल ही दिया है, तो शायद जो भी होगा. आई वॉज नॉट रियली वरीड. आई वॉज जस्ट मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि तो अगर नहीं होगा साइंस में तो और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई आइडिया नहीं था. तो थोड़ा सा वैसे करके आई वॉक्ड इन द स्कूल एंड दे आस्क मी कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए साइंस, एंड वो वहीं मिल गया. मतलब कुछ किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. वन वुड थिंक इट्स अ स्मॉल थिंग टुडे, बट मुझे उल्टा बताया गया था कि नहीं मिलेगा और वो हो गया. सो दिस ऑब्वियसली समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, समबडी ब्लेस्ड मी देयर. देर आर मैनी सच इंस्टेंसेस अदरवाइज, बट आई विल जंप टू व्हेन आई वाज कमिंग टू द यूएस. आई यूज टू लिव इन सिंगापुर एंड आई हैड डिसाइडेड टू गो टू द यूएस एंड वर्क देयर. सो गुरुजी के पास गया. व्हाट आई रिमेंबर इज व्हाट ही सेड वाज जा ऐश कर. तो मैं यूएस आ गया, तो यूएस में एक थोड़ा H1 पे आओ तो एक वो होता था कि वो जॉब जो देता है आपको वो एक्चुअली वो जॉब नहीं होती है, जॉब आपको आके ढूंढनी होती है. तो मैं यहाँ आया तो 2001 में, तब तो यहाँ IT का रिसेशन चल रहा था, तो कहीं जॉब नहीं थी. पर गुरुजी ने कहा था ऐश कर. तो मैं तो जैसे ही आया, आई थिंक आई केम ऑन प्रॉब्ली अ वेडनेसडे और समथिंग, उसी वीकेंड पे लॉन्ग वीकेंड था, तो मैं तो नायग्रा फॉल्स चला गया. उसके बाद किसी एक फ्रेंड की कोई DR एक्सरसाइज थी, तो मैं फिलाडेल्फिया चला गया. तो मतलब हर वीकेंड पे मैं घूमने चले जाता था, बहुत घूमा मैं उस समय. तो जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे वो कहने लगे कि अरे इतना क्यों घूम रहा है, यू हैव टू बी रेडी फॉर इंटरव्यूज. ऐसे करके मुझे थोड़ा सा डिस्करेजिंग लगा. फिर एक दिन मैंने सोचा, किसी ने बोला कि आप लाइसेंस बना लो, कार लेनी पड़ेगी तभी होगा. तो मैंने अगेन अपने एम्प्लॉयर से बोला कि लाइसेंस बनाना है. उन्होंने दैट पर्सन टोल्ड मी के लाइसेंस यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, यू कुड बी प्लेस्ड एनी वेयर इन द US. तो आपको जहां प्लेसमेंट होगी उसी हिसाब से वहीं का लाइसेंस बनाना. अगले दिन जब मैं गुरुजी को प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो यहीं रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना. वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसी जिप कोड में हूं. हमने बहुत कोशिश की कि किसी और जिप कोड में घर खरीद लें. आप वहीं वहीं पे एग्जैक्टली उसी जगह पे हूं. घर चेंज कर लिया बट उसी जिप कोड में. तो एक दिन मैं मिड टाउन में घूम रहा था, ऐसे ही जॉब नहीं मिली थी. तो रॉकेफेलर सेंटर के सामने वो जो स्टैचू है, गोल्डन स्टैचू, स्केटिंग रिंक होता था जहाँ पहले, उधर स्टैचू में मैंने देखा. मेरे पेरेंट्स आए थे जब US, तो उन्होंने एक फोटोग्राफ खींची थी उस स्टैचू के सामने, और वो उनके बेडरूम में लगी होती थी. तो वो देख के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार वो एक्चुअली देखा था जो कि मैं बचपन में देखता था उनके बेडरूम में. तो मैंने बोला गुरुजी देखो जॉब तो यहीं चाहिए. आप मानोगे नहीं, अगले हफ्ते एक जॉब आई, वो रॉकफेलर सेंटर में थी. वहां मैं इंटरव्यू के लिए गया, और पहले तो थोड़े से एक दो क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए. तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद तो जो मेरा मैनेजर था वो क्वेश्चन पूछता था, मैं आधा आंसर देता था, आधा आंसर वो खुद दे देता था. वो इतना एक्साइट हो गया कि जो भी आंसर मैं देता था, ही गॉट दिस थिंग. तो मैं नीचे आके, मेरे को रिक्रूटर ने बोला था कि फोन करना, तो मैंने फोन किया. तो मैंने कहा कि हो गया इंटरव्यू, मेरे को तो लगता अच्छा हुआ. तो वो कहता है कि हमें भी अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है, एंड दैट इज अ गुड स्टोरी. मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहता अभी तक मैंने जितने भी लोग भेजे हैं वो 38th फ्लोर से जब तक नीचे आते हैं तब तक हमें फोन आ जाता है किसी और को भेजो, अभी तक आपके लिए कोई फोन नहीं आया है. एंड वो जॉब मुझे वहां मिल गई रॉकफेलर सेंटर में. तो उस समय मुझे बताया गया था कि अराउंड सितंबर लेबर डे वीकेंड में हम हमारा बैंक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और आपकी सीट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो जाएगी. तो मैंने कहा ठीक है. तो उस
उसी लेबर डे वीकेंड के बाद हमारी ट्रेडिंग फ्लोर और मेरा डेस्क भी सब कुछ जो वर्ल्ड ट्रेड वन नॉर्थ टावर वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हमारा बैंक के ऑफिसेज वर्ल्ड ट्रेड वन और वर्ल्ड ट्रेड टू दोनों में थे, क्योंकि तीन बैंक्स मर्ज हुए थे और तीसरा बैंक जो था जिस बैंक से मैं था वो रॉकफेलर सेंटर में था, बट उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग फ्लोर डाउनटाउन में बनाएंगे, तो सब डाउनटाउन में मूव हो गए। उसी उधर मैं शायद एक हफ्ता के लिए ही शायद गया था, मैं तो ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड देखा भी नहीं था, एक बार ही सिर्फ ट्रेन से गया था। और सितंबर 11th को जैसे मैं हर बार हर रोज़ की तरह मैं वहाँ पे सुबह 8 बजे से पहले ही ऑफिस में था, और जब पहला प्लेन गिरा वहाँ पे तो मुझे अभी भी याद है, मैं कॉफ़ी बना रहा था अपना कॉफ़ी मशीन में, तो ऐसा लगा कि जैसे अर्थक्वेक आया है, जोर से बिल्डिंग हिली, समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो जब मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर अपना काम करता रहता हूँ, तो मैं अपनी कॉफ़ी बनाता रहा, तो उतने में कोई चिल्लाता हुआ आया कि गेट आउट ऑफ हेयर, लेट्स गेट आउट ऑफ गेट डाउन। तो मैंने उसको बोला कि यू मस्ट बी किडिंग मी, वी आर नॉट गोइंग टू वॉक 49 फ्लाइट्स डाउन, राइट। सो उसने बोला कि ओ लेट्स गेट टू द 46th फ्लोर एंड वील टेक द एक्सप्रेस एलिवेटर डाउन टू गो डाउन। तो हम फायर एस्केप से 46th फ्लोर तक गए, और 46th फ्लोर पर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पूरा धुआं था। तो हमने धीरे 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 नीचे उतरना शुरू किया, और मैंने खुद देखा फायर चीफ को ऊपर जाते हुए, फायरमैन को ऊपर जाते हुए, जो कभी नीचे नहीं आए। और इट इज़ हिज ब्लेसिंग। मैं जैसे ही मैंने स्ट्रीट क्रॉस करके शायद थोड़ा सा ही आगे गया था, तो वर्ल्ड ट्रेड टू जिसको कि सेकंड टाइम पे अटैक हुआ था वो गिर गया था। सो दैट्स व्हेन आई टोटली फ्रीक्ड आउट। मैं भागता रहा, आई थिंक ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ भागा, और मैं ब्रुकलिन में ही जाके रुका। वहाँ से किसी तरह वहाँ सेलफोन चलने बंद हो गए थे, तो एक लैंडलाइन से फ़ोन करने की कोशिश की, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इंडिया कॉल तो जा ही नहीं रही थी, इवन न्यू जर्सी तक कॉल भी नहीं जा रही थी कि किसी को बता दूं कि मैं बाहर निकल गया हूँ, क्योंकि मैं जब भागा था तो किसी को पता नहीं चला कि मेरे व्हाट आर माय वेयर अबाउट्स, आई वाज अनअकाउंटेड फॉर एट दैट पॉइंट। फिर मैंने देखा उस समय वो इंटरनेट रूम होता था सारे होटल्स में, तो वहाँ मैं गया और मैंने ईमेल भेजी सबको, अपने कॉन्टैक्ट्स को। देन इट सीम्स लाइक समबडी फ्रॉम इंडिया कॉन्टैक्टेड माई पेरेंट्स एंड दे लेट हिम नो, लेट देम नो दैट ही इज आउट। एटलीस्ट उनको उतना पता चल गया कि आई एम नो नॉट इन द बिल्डिंग एट सच। और अगले दिन शाम को ही मैं फ़ोन कर पाया था उनको। दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स दैट इतना सब कुछ हो गया एंड आई कुड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम ऑल दैट। देर आर लॉट मैनी ब्लेसिंग्स हियर। और बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग से क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। फॉर आपको एक बताता हूँ, इन व्हेन माय सन वाज एक्चुअली इन आई थिंक ही वाज इन नॉट इवन इन मिडिल स्कूल प्रॉब्ली, ही वाज इन एलिमेंट्री, तो उसको सॉकर खेलने का शौक हुआ। अब मैंने तो ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, तो उसको हम लेके जाते थे जहाँ सॉकर में, तो नेचुरली वो एक्स्ट्राज में ही होता था, ज़्यादा खेलने को टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने उस समय सोचा कि गुरुजी मैं ही कोच बन जाता हूँ तभी इसको खेलने का मौका मिलेगा। तो पर कभी खेला तो है नहीं और ना ही ज़्यादा पता है, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने साइन अप किया एज अ असिस्टेंट कोच। पर उनकी ब्लेसिंग शायद कुछ ज़्यादा ही थी, जो कोच था वो ही डिडंट शो अप, सो आई बिकेम द कोच। फिर मंदिर में ही भी मैंने जब बोला कि अरे मेरे को लगा मैं असिस्टेंट कोच हूँ, होंगे तो समबडी विल लीड, मैं तो साइड पे रहूँगा, बट यहाँ तो मैं कोच ही बन गया। तो आई वॉज जस्ट मैंशनिंग दिस इन द मंदिर एंड देन वन पर्सन हु हैज़ बीन कोचिंग सॉकर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ पार्ट ऑफ द संगत, ही केम अप, ही सेज आई विल कम एंड हेल्प यू आउट, एंड ही कोच्ड सो वेल दैट द टीम, मैं 3 साल रहा, ही हैड टू मूव आउट
लोग अभी तक जितने साल मैं कोच रहा वो याद करते थे कि वो कहाँ हैं और व्हेन विल ही कम बैक एंड कोच अस. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नॉट ओनली द ब्लेसिंग्स हेल्प यू व्हेन यू हैव प्रॉब्लम, दे गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू कैन अटेम्प्ट थिंग्स दैट यू नो यू वुड वांट टू डू बट प्रॉबली आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग राइट अवे. सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो यहाँ सबके साथ हैं ही. शायद मेरे को लगता है आई गेट माई अनफेयर शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स. थैंक यू. जय गुरुजी.